लोकसभा में संसद सत्र के दौरान सपा नेताओं ने अचानक राजदंड यानी सेंगोल हटाए जाने की मांग रख डाली, जिसके बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। संसद सत्र के दौरान सपा नेताओं ने सेंगोल हटाने की मांग पर अब भाजपा की ओर से विरोध भी शुरू हो गया। भाजपा ने दो टूक कहा है कि सेंगोल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और इसे स्थापित किया जा चुका है, अब इसे यहां से नहीं हटाया जाएगा। संसद में इसे लेकर विवाद छिड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी सपा नेताओं पर निशाना साध दिया है। योगी ने ट्वीट कर कहा है कि सपाइयों के मन में भारत के इतिहास को लेकर जरा सा भी सम्मान नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने सेंगोल हटाने की टिप्पणी पर सपा नेताओं पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, समाजवादी पार्टी के मन में भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं। सेंगोल को लेकर पार्टी के शीर्ष नेताओं की ऐसी टिप्पणी करना निंदनीय है। सपा नेताओं की इस प्रकार की मांग उनकी अज्ञानता को भी दर्शाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे लिखा कि सपाइयों की ये टिप्पणी विशेष रूप से तमिल संस्कृति के प्रति इंडिया गठबंधन की नफरत को दर्शाता है। सेंगोल भारत का गौरव है और ये सम्मान की बात है कि पीएम मोदी ने इसे संसद में सर्वोच्च सम्मान दिया है। ऐसे में सपा की इस टिप्पणी की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। वहीं सेंगोल विवाद पर सीएम योगी के अलावा यूपी सरकार में मंत्रियों ने भी खूब पलटवार किया। कल वो ये कहेंगे कि इसको और कुछ बदला जाए। अरे इन चीजों पर गौर न करके विपक्ष को, गठबंधन के लोगों को केवल इस समय ध्यान केंद्रित करना चाहिए देश की समस्याओं को समाधान कैसे हो, विकास कैसे हो, देश के सामने खड़ी हुई जो चुनौतियां उनसे कैसे निपटा जाए, देश को किस तरह विश्व पटल पर छा जाने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रोड मैप तय किया है वो किसी पार्टी का रोड मैप नहीं है, देश के लिए रोड मैप प्रधानमंत्री किसी पक्ष का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है। राष्ट्र का हित सोचने के साथ साथ आप विपक्ष को भी सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग करना चाहिए। जिस तानाशाही की बात करते हैं, मैंने इंदिरा गांधी जी से बड़ा कोई तानाशाह नहीं हुआ, जिन्होंने आपातकाल लगाया और लोगों के जीवन दुभर हो गया था, लोगों को जेल में यातनाएं दी गई, उनके नाखून निकाल लिए गए। उस समय आपातकाल में मिसा बंदी थे लालू जी, आज उनके लड़के जो है उसी कांग्रेस पार्टी के जिंदाबाद कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी लाठी डंडा खाए जेल में बंद रहे, आज उनके बेटे आज जो है उसी कांग्रेस के जिंदाबाद कर रहे हैं। तो ये लोग संविधान के जो धज्जियां उड़ा लिए आज उन्हीं के साथ जिंदाबाद कर रहे हैं, ये संविधान के बारे में क्या बात करेगा। बता दें कि इससे पहले सपा सांसद आर के चौधरी ने सेंगोल को हटाए जाने की मांग करते हुए एक पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं सदन की कुर्सी की दाईं ओर सेंगोल को देखकर हैरान रह गया। महोदय, हमारा संविधान भारत के लोकतंत्र का एक पवित्र दस्तावेज है, जबकि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर है, किसी राजा या राजघराने का महल नहीं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि संसद भवन में सेंगोल हटाकर उसकी जगह भारतीय संविधान की विशालकाय प्रति स्थापित की जाए। सपा सांसद की मांग पर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। अखिलेश ने आर के चौधरी के पत्र लिखने के सवाल पर पीएम मोदी पर ही निशाना साध दिया। बता दें कि नई संसद भवन के उद्घाटन के समय सेंगोल को स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे तमिलनाडु मठ से स्वीकार कर लोकसभा स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया था, जिस पर अब बवाल मचा हुआ है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।